नमस्कार, पायनियर देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं YMCA रोड पर और आज हमारा यहां खड़ा होने का जो कारण है वो है जो ये पूरी टूटी हुई YMCA रोड है। वैसे तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फरीदाबाद की ऐसी कोई रोड नहीं जो ना टूटी हो, लेकिन आज सिर्फ हम बात करेंगे इसी रोड की। साल भर से ज्यादा इस रोड को टूटा हुआ हो चुका है, लेकिन आज तक इसका बनने का कोई नाम नहीं है और लोग किस तरीके से रोजमर्रा की तरह अपनी जो जिंदगी है वो चला रहे हैं, वो अपने काम पर निकल रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है हम आपको बता भी नहीं सकते, क्योंकि लोग इतना परेशान हो चुके हैं इन टूटी सड़कों से। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो ये सड़कें हैं वो बिल्कुल टूट चुकी हैं और साथ ही आप देख भी पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो टूटी सड़कें हैं, ये जो टूटी रोड है, किस तरीके से इनसे जो धूल मिट्टी उड़ रही है और जिन लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम है इस चीज़ से, उनको भी इस चीज़ से बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वैसे तो मैंने आपको बताया कि फरीदाबाद की ऐसी कोई रोड नहीं जो ना टूटी हो, लेकिन ये जो रोड है इसको साल भर से ज़्यादा हो गया, इसको तोड़े गए लेकिन इसको आज तक बनाने का कोई नाम है। जनता पूछना चाहती है कि जब इस सड़क को बनाना ही नहीं था तो इसे तोड़ा क्यों गया। इतना वक्त बीत चुका है, हालात इस कदर बने हुए हैं कि लोगों का चलना, लोगों का इस सड़क पर चलना, इस रोड पर चलना मुश्किल हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि धूल इतनी ज्यादा है कि आपको थोड़ा दूर से गाड़ियां भी नजर नहीं आएंगी। साल भर हो गया लेकिन इस सड़क का बनने का कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ यहाँ का हालात नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वक्त हम YMCA बिल्कुल कॉर्नर पर मौजूद हैं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये यहाँ मैं पूरी आपको इस सर्वोदय अस्पताल तक आपको इस रोड के हालात दिखाएंगे कि किस तरीके से, किस कदर इस रोड के हालात बन चुके हैं। लोग इतना परेशान है, आखिर जनता पूछना चाहती है कि जब रोड को बनाना ही नहीं था तो इसको तोड़ा क्यों गया। अगर इसकी तोड़ने के बाद इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की गई थी तो क्या थी वो समय सीमा जो इसको निर्धारित किया गया। लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर जो प्रशासन है वो कब तक ऐसे गहरी नींद में सोया रहेगा, लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोजमर्रा की तरह जो लोग हैं वो अपनी सड़क से गुजरते हैं। आप सुबह का दस बजे का टाइम हुआ है और लोग यहाँ से निकल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, रोड इतनी जर्जर हो चुकी है, इतने गहरे गहरे गड्ढे इन सड़कों में हैं। जब लोग निकलते हैं तो कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इतना वक्त हो चुका है, अगर कोई भी अपने व्हीकल से निकलेगा तो उनके व्हीकल भी खराब होते हैं, उनकी गाड़ियां भी टूटती है। आखिर कब तक लोग इस तरीके से ही अपनी गाड़ियों को तोड़वाते रहेंगे, कब तक लोग अपनी ऐसे ही इन सड़कों पर अपनी जान गंवाते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी यहां से हमने शुरुआत की है, पूरी रोड का हम आपको हालात दिखाएंगे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पायनियर हरियाणा ने ये मुहिम चलाई है कि जब तक ये रोड नहीं बन जाती हम इस तरीके से जो आम जनता की परेशानी है वो हम प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आखिर जो जनता है वो कितनी परेशानी झेल रही है इन टूटी सड़कों के कारण, हम अभी आपको आगे की भी हालात दिखाते हैं। कोशिश करेंगे कि आपसे हम गुजारिश करेंगे कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज पहुंचे और प्रशासन तक भी ये बात पहुंचे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो परेशान हो चुके हैं। हम अभी आपको आगे के हालात दिखाएंगे और मैं आपको आपसे गुजारिश करूंगी कि इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक जो ये खबर है पहुंचे और हम चाहेंगे कि प्रशासन तक भी ये बात पहुंचे कि लोग कितना परेशान हो चुके हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख ही पा रहे हैं कि कितने गड्ढे हैं। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये हालात बने हुए हैं कितना परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। कभी कभी तो हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है, लोगों का एक्सीडेंट इन टूटी सड़कों के कारण हो जाता है। ये YMCA रोड और एक बड़ा अस्पताल भी इस रोड पर लगता है, सर्वोदय अस्पताल, कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं लेकिन सड़क जो है, ये रोड है बिल्कुल टूटी हुई है। देखिए किस तरीके से हालात जो है बिगड़े हुए हैं। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके की जो परेशानियां हैं लोगों को हो रही हैं। देखिए कभी टूटी सड़कों के कारण जाम की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों को तो टूटी सड़कों का सामना करना पड़ रहा है, समस्या हो जाती है। ऊपर से जब इन टूटी सड़कों की वजह से जब जाम लग जाता है तो काफी परेशानियां उनको झेलनी पड़ती है। देखें किस तरीके से जो गड्ढे हैं, देखो सड़कें हैं वो गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। ये YMCA रोड पूरा इसी कदर टूटा हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि पूरी धूल मिट्टी, टूटी सड़कों से जो धूल मिट्टी उड़ रही है। जिन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, अस्थमा जैसे काफी लोग होते हैं, इनको प्रॉब्लम होती है, एक तो वो टूटी सड़कों से इस तरीके की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, दूसरा
जो धूल उड़ रही है उससे उन लोगों को प्रॉब्लम होती है। आखिर जनता, हमने जनता से भी जानने की भी कोशिश करी है पहले भी कि किस तरीके से उनको परेशानी होती है। उनका कहना है कि जब सड़कें बनानी ही नहीं होती तो उनको तोड़ा ही क्यों जाता है। आपको बता दूं जब ये सड़क तोड़ी नहीं गई थी तो काफी हद तक अच्छी थी, लोग इससे अच्छे से चल रहे थे, लेकिन आज इस रोड के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, इतने बेकार हो चुके हैं कि लोग बेहद ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। देखें किस तरीके से रोड टूटी हुई है, हालात बहुत ज्यादा बेहद ही बेकार हो चुके हैं। लोगों से भी देखिए किस तरीके से लोगों का चलना मुश्किल हो चुका है टूटी सड़कें। आखिर प्रशासन कहाँ सोया है, क्या प्रशासन को ये लोगों की जो आम जनता की समस्या है वो नजर नहीं आती। लेकिन देखें आप ये रोड जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी सड़क थोड़ी बीच में बनी हुई है, लेकिन जो आगे के हालात में आपको दिखाने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। लोग बेहद ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। हम लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की जो परेशानी है, जो रोज आने जाने वाले लोग हैं, किस तरीके से जो उनके व्हीकल है उनके टूटते हैं, क्योंकि सड़कें इतना ज्यादा बेकार हो चुकी, इतना गड्ढा सड़कों में हो चुका है, कुछ कहा नहीं जा सकता। धूल मिट्टी की टूटी सड़क से जो धूल मिट्टी जो उड़ रही है, देखें आप किस तरीके से, तोड़ तो दिया जाता है लेकिन बनाने का कोई जो नाम है इनका नहीं है। लोगों का ये भी सवाल है कि जब तोड़ा जाता है तो क्या इसकी कोई समय सीमा इसको बनाने की निर्धारित की गई थी, अगर की गई थी तो कहाँ है वो समय सीमा, लोग जानना चाहते हैं। क्योंकि आए दिन लोगों को इस समस्या का जो है सामना करना पड़ता है, जो आम जनता है इससे जूझ रही है। लेकिन आगे हम आपको लेके चल रहे हैं कि दिखाएंगे कि किस तरीके से जो हालात हैं वो बदतर हो चुके हैं। आए दिन जाम की भी समस्या, ट्रैफिक की भी समस्या बेहद ज़्यादा बनती है, क्योंकि टूटी सड़कों के कारण बेहद ही जो है जाम लगता है, लेकिन जनता परेशान है। कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि जो पूरी बायएमसी रोड से लेकर जिस सर्वोदय अस्पताल तक इतने बुरे हालात इन सड़कों के हो चुके हैं कि बयां करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लोग इतने परेशान हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको देखेंगे, यहाँ पर मूलचंद शर्मा जी का कार्यालय है, यहाँ से ये सड़क थोड़ा बनी हुई है, थोड़ी बीच की ही सड़क बनी हुई है, लेकिन इससे आगे आप चलेंगे तो हालात बेहद ही खराब है। लोगों के गिरने का डर है, लोगों का एक्सीडेंट होता है, कभी कभी तो हालात इतने बेकार बन जाते हैं, इतने बुरे बन जाते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और कभी कभी तो लोगों की डेथ तक हो जाती है इन टूटी सड़कों के कारण। ऐसी कोई ये कोई नई बात नहीं है कि ऐसे कुछ चीज़ें होते हैं। देखें किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैंने बताया था कि थोड़ी सी सिर्फ रोड बनी हुई है और आगे से यहाँ से चलना कितना मुश्किल हो चुका है। जो लोग रोज यहाँ से निकलते हैं, अपनी बाइकों पर निकलते हैं, अपनी कार्स में निकलते हैं, उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों जो जनता है वो पूछना चाहती है कि वो किस क्यों कब तक वो ऐसी टूटी सड़कों पर अपनी गाड़ियों को तोड़वाती रहेगी। आखिर जो प्रशासन है वो इतनी गहरी नींद में क्यों सोया है, क्यों उसको जो आम जनता की है वो प्रॉब्लम क्यों नजर नहीं आती है। देखेंगे किस तरीके से जो हालात हैं वो बिल्कुल बदतर हो चुके हैं। ये एक सिंगल रोड नहीं है जो फरीदाबाद के अंदर टूटी हुई है, ऐसी न जाने पूरा फरीदाबाद अगर हम देखें तो ऐसे ही टूटी सड़कें पूरे फरीदाबाद के अंदर टूटी रोड पाएंगी। अगर हम सड़कों की बात ना करें तो जो गलियां हैं वो भी बिल्कुल टूट चुकी हैं, लोग काफी परेशान हैं, और उड़ती धूल भी एक बड़ी समस्या का कारण बने हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि देखें किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, सड़कें जो है गड्ढों में तब्दील हो गई हैं, आप देख पा रहे हैं। देखें आप लोग कितना परेशान है। अभी हम यहाँ पे रुकेंगे और दिखाएंगे कि, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रही हैं रोजमर्रा की तरह अपनी जिंदगी, यहाँ से जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यहाँ से निकलते हैं। मैं दिखाना चाहूंगी एक बार, इस वक्त हम सर्वोदय अस्पताल के नजदीक ही हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर्वोदय अस्पताल यहाँ पर है। लोग रोजाना न जाने कितने लोग यहाँ से निकलते हैं, और आप देख पा रहे हैं कि मैं अगर सड़क दिखाऊं तो अगर आप ये रोड देखेंगे तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आगे भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पूरी रोड YMCA से लेकर और पूरे सर्वोदय अस्पताल, आगे सर्वोदय अस्पताल है, बिल्कुल हालात बेकार हो चुके हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से भी कि किस तरीके की प्रॉब्लम उनको होती है। काफ़ी सारे लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, हालांकि लोग अपने व्हीकल्स में हैं, फिर भी हम कोशिश करते हैं लोगों से जानने की आखिर किस तरीके की प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। देख पा रहे हैं कि रोजमर्रा की तरह सुबह सुबह लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन टूटी सड़कों से कहीं एक मिनट मैं इनसे ही पूछना चाहूँगी कि
आप रोज यहाँ पे ऑटो चलाते हैं? हाँ, रोज चलाते हैं। किस तरीके की टूटी सड़कों के कारण किस तरीके की समस्या आपको देखने को मिलती है? ये समस्या दो साल से आ रही है मैम। क्या किस तरीके की और प्रॉब्लम होती है, आप निकलते हैं तो क्या? इतनी प्रॉब्लम होती है कि अगर बीमार भी बैठ गया ना तो ये समझ लो कि और ज्यादा बीमार हो जाए। टूटी सड़कों के कारण और बीमार, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन से? आप ऑटो चलाते हैं, ऑटो में भी प्रॉब्लम आती होगी, हर चीज से प्रॉब्लम आती है मैम। क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि कम से कम रोड तो बना दे, और भी कुछ नहीं है तो रोड तो बन जाए कम से कम पब्लिक। देखें कि आप सुन पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने भी एग्जाम्पल दिया, अगर ऑटो में गुजर रहा है, अगर कोई बीमार इंसान है तो वो और भी ज्यादा इस रोड पर चलकर और भी ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सड़कों के हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये फरीदाबाद के अंदर जो सड़कें टूटी हुई हैं, जो रोडें टूटी हुई है, उनको जल्द से जल्द ठीक कराने का काम किया जाए। आप लोगों को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से परेशान हैं। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम जानने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि अभी लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, व्हीकल्स पे हैं, थोड़ा रुकना भी थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है, हम फिर भी जानने की कोशिश करेंगे। एक मिनट रुकेंगे आप जरा, कब से इस सड़क पर कब कब से निकलते हैं आप? हमसे हो गया 8 दिन हो गए। क्या क्या परेशानी आपको लगती है इस रोड पर? टूटी सड़कें हैं, किस तरीके की जो परेशानियां है, प्रॉब्लम आपको होती है? वो तो टूटी तो है ही सड़कें सर। क्या प्रॉब्लम आपको होती है? प्रॉब्लम गड्ढा गड्ढा होता उसमें जी। तो ठीक है, देख पा रहे हैं कि आप प्रॉब्लम तो सभी लोगों को है, लोग गुजरते हैं। सर एक बार मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, टूटी सड़कें हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रॉब्लम आपको होती है? मैडम यहाँ पे तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है, हमारा टेम्पो में सवारी का किराया नहीं बढ़ रहा हमारा, और ये लगा लो कि टेम्पो हमारा चलता भी नहीं इतना जितनी हमें मतलब अपनी सर्विस में ही पैसे जाते हैं हमारे टूटी सड़कों के कारण हो रहा जी, है जी, जी जी। और किस तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखा जाता है कि कभी कभी एक्सीडेंट भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, कभी कभार टेम्पो भी पलट जाता है जी हमारा जी, सवारी को चोट लग जाती है, हमको चोट लग जाती है कभी कभार जी। तो आपने कभी इस चीज को लेकर प्रशासन से गुहार लगाई है कि इन सड़कों को बनाया जाए, इन रोडों को बनाए, क्योंकि मेन रोड इसे हम कहेंगे क्योंकि अस्पताल भी यहाँ पर लगता है? मैडम किस तक है हम, हमारी कोई सुनवाई करेगा नहीं कोई भी जी। अभी अगर प्रशासन हमारे इस वीडियो देख रहा है तो अभी क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है हमारी कि अगर आप हमारी दुख तकलीफ को समझ रहे हो तो इस रोड को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी करवा दीजिए तैयार जी। जी आपको भी कोई प्रॉब्लम होती है, आप निकलते हैं जी, बताइए जरा। निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, रोड देख रहे हैं बहुत मतलब टूटा फूटा हुआ है, आने जाने में दिक्कतें हो रही है, ठीक है ना, बहुत डस्ट भी कर रहा है, डस्ट से भी प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? हम तो कहना चाहेंगे प्रशासन को मतलब जल्द से जल्द इसका मतलब कार्रवाई करके मतलब जल्दी रोड का जी कार्य करें जी। एक सवाल ये भी बनता है, जनता कह रही है कि जब इसको बनाना ही नहीं था तो तोड़ा क्यों? देखो ये ऐसा है मैडम, ये तो एक पॉलिटिक्स खेली गई थी, ये रोड ठीक ठाक था बिल्कुल, कोई सीवर भी नहीं, पहले कह रहे थे कि सीवर करवा रहे हैं चालू, इसमें कोई सीवर नहीं करवाया इसमें, ये तो पता ही नहीं, या तो कोई गवर्नमेंट ने करा अपना कोई अपना चक्कर ये, या कोई जैसे नेता लोग हैं इन्होंने करा जी। लेकिन थोड़े से अगर बीच की हम बात देखें तो आगे थोड़ी सी बीच मिलन से लेकर थोड़ी सी रोड बनी हुई है, आखिर वो ही क्यों बनी हुई है, आगे की सड़कें जो क्यों नहीं बनी हुई है? देखो जी वो अपनी उनकी नेतान के लोगों की है, वो तो यहाँ के मतलब यहाँ के जो सहनशाह लोग हैं वो तो, अगर वो अपनी नहीं बनवाएंगे तो फिर कहाँ की बनवाएंगे जी? वो आम जनता की परेशानी उनको नजर नहीं आ रही है, दी की नहीं रही जी, और 2-3 साल से टूटी पड़ी है ये सड़कें जी जी। देखिए तो कितना परेशान है जो आम जनता है, जो रोज इस सड़क से इस रोड से गुजरती है, कितनी प्रॉब्लम इनको होती है। मैं आपको आगे भी थोड़ा सा दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके के जो हालात है वो बने हुए हैं, ऐसे ही हम चलेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये हालात बने हुए हैं वो कब तक बने रहेंगे। देख पा रहे हैं कि आप, हमने लोगों की भी जो समस्या है वो जानने की कोशिश करी। देखिए उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से जब ये रोड टूटी नहीं थी, इसको तोड़ा नहीं गया था, उससे पहले ये रोड काफी हद तक ठीक थी, लेकिन जब आज इसको तोड़ दिया गया है तो अब इसको बनाने का कोई नामो निशान नहीं है, पूरी जर्जर ये सड़कें हो चुकी है, रोड पूरी जर्जर हो चुकी है, आए दिन लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, काफी लोगों को समस्या है वो झेलनी पड़ रही है। आगे की जो हालात है ये पूरा सर्वोदय अस्पताल में आपको दिखाना चाहूंगी, यहाँ पर ये सर्वोदय अस्पताल है और रोजमर्रा की तरह लोग अपने काम पर निकल रहे हैं, लेकिन जो समस्या उनको हो रही है, उनका कहना है कि शायद प्रशासन गहरी नींद में सोया है, शायद आम जनता की परेशानी उनको नजर नहीं आ रही है कि किस तरीके से लोग इन सड़कों से गुजर रहे हैं। देखें आप हालात देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस तरीके से हालात बेहद ही बेकार हो चुके हैं।
देखिए हमने आपको लोगों से बातचीत भी कराई कि लोग किस तरीके से परेशान हैं, हालांकि लोग अभी अपने व्हीकल पे हैं, अभी कोशिश करेंगे, अभी अगर लोग रुकते हैं तो उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम उनको हो रही है। हालांकि मैं उनसे लोगों को रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग परेशान हैं। देखिए अभी एक भाई साहब रुके हैं कि जी अपना नाम बता दीजिए एक बार। मेरा नाम प्रिंस। कब कब इस रोड से निकलते हैं? लगभग हो गए 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। किस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखे? अरे मैम, यहाँ से लेकर YMCA तक हमें कम से कम 20-25 मिनट लग जाते हैं। लग जाते हैं टूटी सड़क के कारण? सिर्फ टूटी सड़क के कारण, और एक बार और बारिश के सीजन में तो इतना परेशान, कहीं तो कितनी बार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, गड्ढे नहीं पता चलते हैं बारिश में। ये तो फिर भी थोड़ा सा आगे, थोड़ी सी आप आगे देखिए मिलन के आगे से कितनी रोड खराब है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। कितनी बार तो अर्जी भी कर दी है, मतलब पालिका में जाकर बोल दिया है, कोई सुनवाई नहीं होती। व्हीकल से आप चलते हैं, व्हीकल में भी दिक्कत आती है? हाँ, मुझे अभी तो मेरे को 2-व्हीलर पे हूँ, मैं 4-व्हीलर से निकलता हूँ तो मुझे 20 मिनट लगता है यहाँ से YMCA पहुँचने में। जी, तो आपने अपील भी किया लेकिन सुनवाई नहीं होती? कोई सुनवाई नहीं है, किससे बोले? आज हम खड़े हुए हैं और हम तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब तक ये रोड नहीं बनती कोशिश हमारी यही रहेगी। तो आप भी थोड़ी सी आगे कहना चाहेंगे? हमने पूरा रोड देखा, ये आगे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन होगी, फिर 2 महीने कंस्ट्रक्शन चलेगी, 6 महीने के लिए पेंडिंग हो जाएगी। इससे पहले यहाँ पर मिट्टी विट्टी डाली गई थी और टेंडर भी हमने सुना था कि पास हो गया, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं है। ये भी होता है कि जब लोगों का ये भी सवाल है कि जब रोड बनानी नहीं होती है तो उसको थोड़ा ही हाँ उसको थोड़ा ही क्यों। अभी आप ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये कूड़ा डला हुआ है, ये लगभग 6 महीने से पेंडिंग था, और कितने मेरे सामने 2-3 एक्सीडेंट हुए हैं जो बारिश के कारण किसी को नहीं पता चलता रोड कहाँ है। और खुद मेरे सामने साइकिल वाला एक बार एक गड्ढे में गिरा। या तो इसको तोड़ो मत, और खोद रहे हो तो कम से कम एक आप बाउंड्री भी रखो। ना कोई बाउंड्री ना कुछ रखते हैं यहाँ पर, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर इस रोड को लेकर खासकर। और जबकि ये मेन रोड ही है, ये हमारे मथुरा हाईवे से मिलता हुआ ही रोड है, इसको तो कम से कम कंस्ट्रक्ट करना चाहिए ना। एक साइड का बना दो, एक साइड का छोड़ दो आप। अच्छा, जब तोड़ना नहीं है ना तो आप उसको छेड़िए भी मत, और छेड़ो धूल आप देखना इस पे कितनी होती है। कम से कम पानी के टैंकर भी एक दो बार करवा दीजिए तो भी सही रहेगा। कोई सुनवाई नहीं है प्रशासन की। अभी इलेक्शन आ जाएंगे तो सारा प्रशासन खड़ा होकर आ जाएगा कि हमें वोट चाहिए, हमें वोट चाहिए। हाँ, बाकी आप है, आप सहायता कीजिए, बनवाइए ये रोड। और ये देखिए, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, हॉस्पिटल रोड है, सारी एम्बुलेंस यहाँ से निकलती हैं। एम्बुलेंस को कितनी परेशानी होती होगी। इनफैक्ट मैं खुद ही इसके अंदर वर्किंग हूँ, सर्वोदय हॉस्पिटल में। जी, देखें कि आप ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से काफी 2-3 सालों से इस रोड से गुजर रही हैं, कितनी तमाम जो परेशानियां हैं उसका इनको सामना करना पड़ता है। और क्योंकि लगातार यही समस्या लोगों को सुनने में मिल रही है कि टूटी सड़कों के कारण किस तरीके की परेशानियां उनको होती है। एक तो टूटी सड़कें, ऊपर से उस पर उड़ती धूल मिट्टी, वो भी एक बड़ी समस्या का कारण बनी हुई है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। लेकिन हमने भी एक ये अभियान चलाया है, ये मुहिम चलाया है कि हम भी प्रशासन तक ये बात पहुंचा कर रहेंगे कि लोग कितना परेशान हो चुके हैं इन टूटी सड़कों के, जल्द से जल्द इन टूटी सड़कों को बनाया जाए। हम लोगों की समस्या सुन रहे हैं और उसको आगे तक पहुंचा रहे हैं, ताकि देखिए काफ़ी मेन रोड ये कहेंगे हम आपको, मेन रोड ही है ये, और इसी के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, लोग इतना परेशान हैं। ये सिर्फ एक ही रोड ऐसी नहीं है जो पूरे फरीदाबाद के अंदर टूटी है, हम और भी पूरी फरीदाबाद के अंदर की हम सारी ऐसी जो समस्याएं हैं जिनसे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आज के लिए हम इस खबर में इतना ही दिखाते हैं, और बाकी फिर हम आपसे फिर मिलेंगे और प्रशासन तक इस बात को पहुंचाएंगे कि लोगों की जो समस्या बनी हुई है उसका जल्द से जल्द निदान किया जाए। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।